पास्ता मैक्रोनी मुर्गी वाला और ये पत्थर वाला आटा चक्की कांटी वाला और जो चाहिए आपको 5 HP 2 मतलब लगभग लघु जो की सारी मशीनें जो होती है स्पेयर पार्ट भी सारा चीज़ हमारे पास अवेलेबल है सर। ये यहाँ पे आप जितनी भी मशीनें हैं अपने पास आपको बिना पैसे का यहाँ से आपको मशीन मिल जाएगा। फाइल चार्ज जो पेमेंट लगता है वही देना है बाकी आपका गवर्नमेंट सर PMEGP से। आपको बिजनेस करना है अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस हमको करना है पैसा नहीं है एक बार लघु उद्योग मशीनरी में आइए आपको सारा चीज़ सजेशन बताया जाएगा कहाँ से बिजनेस करेंगे और 35% सब्सिडी के साथ आपको सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। 35% सब्सिडी भी मिलेगा 35% सब्सिडी भी जी सब्सिडी भी मिलेगा और आपको मशीन रहेगा मेरा जो है दर्शकों के लिए रहेगा कि अगर कोई दर्शक वीडियो के माध्यम से अगर कोई बिजनेस देखता है कि हमको ये करना चाहिए तो कैसे अपने आप को सजेस्ट करेगा कि नहीं हमको यहाँ से मशीन लेना चाहिए या इस बिजनेस को कैसे करें थोड़ा सा कुछ इसके बारे में आइडिया। सबसे पहले हम एक चीज बताते हैं कि रॉ मेटल हम कहाँ से लेके इसमें रॉ मेटल का टेंशन दूर हो गया। रॉ मेटल इसमें खोजने कहीं नहीं जाना है किसी के पास नहीं जाना है कोई मशीनरी वाले के पास नहीं जाना है अपने ही किराना दुकान में मैदा खरीदिए और इसको चाउमिन बनाइए और बेचिए बस ये एक मशीन से। आप कोई भी मशीन लगाते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं उसके बारे में पूरा स्टडी आपको होना चाहिए आपका पूरी जानकारी होना चाहिए कि इस मार्केट में इसका वैल्यू क्या है हम बनाएंगे इसका कॉस्ट क्या आएगा बिजली चार्ज कितना आएगा। वीडियो में स्वागत है दोस्तों। आज मैं गोपालगंज जिले में हूँ और यहाँ पे दोस्तों मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे जो है लघु उद्योग से जुड़ी वो तमाम मशीनें आपको यहाँ मिलेंगी तमाम मशीनें मिलेंगी छोटी से छोटी हो या बड़ी आपके पास अगर पैसे ना भी हो तो आप यहाँ पे जो है आप आके और यहाँ से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। बहुत सारे जो युवा जो हैं पढ़ लिख के बेरोज़गार बैठे हैं और वो जॉब ना मिलने के कारण वो हमेशा जो परेशान रह रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें तो उन्हीं के लिए बेहद वीडियो खास रहने वाली है तो वीडियो में बने रहें और जो हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दें ताकि उन लोगों के लिए आगे से बेहतर वीडियो ला सकें। तो चलिए हम कंपनी के अंदर ले चलते हैं और वो तमाम मशीनें आपको दिखाएंगे जो आपकी ज़रूरत की हो सकती है जो अपने अनुसार लगाकर आप अच्छा खासा पैसा इनकम कर देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है आए हुए हैं ग्राहक लोग भी हैं और यहाँ पे मशीन देख रहे हैं तो कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकित कुमार है। अंकित कुमार आप यहाँ क्या करने आए हैं? हम आए हुए हैं लोन कराने के लिए मशीन। लोन कराने के लिए कौन सा मशीन लेना चाहते हैं? आटा चक्की का और मसाला पैकिंग तो क्या यहाँ से लोन भी होता है? हाँ वो मशीन पे लोन वगैरह कराते हैं। मशीन पे लोन कराते हैं। आपका घर कहाँ होगा? मेरा घर यहीं बरौली हुआ। बरौली हुआ। क्या करते थे पहले आप? पढ़ाई करते हैं अभी भी। पढ़ाई करते हैं पढ़ाई के साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं चाहते हैं जी। तो आपके माइंड में कहाँ से आया कि नहीं अब हमको बिजनेस ही करना है? अभी रोजगार के लेकर आप देख ही रहे हैं सारा चीज़ें। अभी मेरा BSc चल रहा है जी। सोच रहे हैं मान लीजिए कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ बिजनेस जरूरी है जॉब नहीं हुआ तो उसके लिए अपना बैक सपोर्ट रहेगा। पढ़ाई कहाँ तक हुई? मेरा BSc चल रहा है। BSc चल रहा है जी। तो आप जो है ये आप घर से कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट इन घर से इसमें इन्वेस्ट किया जो फाइल चार्ज वगैरह लगता है बस वही टोटल मतलब आपको बिना पैसे का यहाँ से आपको मशीन मिल जाएगा। फाइल चार्ज जो पेमेंट लगता है वही देना है बाकी आपका गवर्नमेंट से PMEGP से द्वारा जी जी। देख सकते हैं दोस्तों आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो पैसे ना भी हो तो आप जो है यहाँ आकर आप वो सारी मशीनें आप अपने ज़रूरत के अनुसार से ले सकते हैं जिसे आप लगाकर अपना उद्योग और चालू कर सकते हैं। दूसरों का नौकर बनने से अच्छा खुद का मालिक भी बन सकते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। तो आइए हम मिलवाते हैं इस कंपनी के फाउंडर से। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका एक बहुत बहुत स्वागत है लघु उद्योग मशीनरी गोपालगंज में जी। और आपने क्वेश्चन किया कि यहाँ पे जो मशीनें हैं वो किस प्रकार की मशीन है आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे जो मशीन शुरू होती है आप 2000 से लेकर के 10000 20000 15 25000 30000 35000 40000 45000 50000 1 लाख 1.5 लाख जितने भी पैसे उतने का आप इनकम से यहाँ पे आप अच्छा खासा मशीन ला के अच्छा खासा आप इनकम कर सकते हैं। दूसरी बात बता दें आपको कि यहाँ पे जिस टाइप की आपको मशीन चाहिए अगर चाहते हैं एकदम कम पूंजी वाला हमको मशीन चाहना है गाँव इलाका में हमको बिजनेस करना है थोड़ा सा शहर इलाका में बिजनेस करना है या डेवलप एरिया है वहाँ पे बिजनेस करना है तो सबके अलग अलग कैटेगरियाँ रखी गई सबको अलग अलग बताएगा कि यहाँ पे ये मशीन चलेगी यहाँ पे ये मशीन कितने लोगों को ये तो पता नहीं होता है कि कौन सा मशीन किस एरिया में हम लगाएंगे तो सक्सेस रहेंगे और कौन से एरिया में नहीं लगाएंगे तो सक्सेस नहीं रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि रूरल एरिया का मशीन अर्बन में लगा देते हैं अर्बन का रूरल में जी उसके चलते बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहली चीज समझना है। दूसरी चीज ये समझना होता है कि मार्केटिंग हम कैसे करें मार्केटिंग करने का कहाँ तरीका है हमारा प्रोडक्ट है बनाएंगे इसको कहाँ बेचेंगे ये सारी चीज ट्रेनिंग देती है लघु उद्योग मशीनरी की पूरी फुल टीम है आपको पूरा फुल ट्रेनिंग देती है इसको कहाँ पे बेचना है इसको मार्केटिंग कैसे करना है आपको बनाना कैसे है इस मशीन का मतलब आपको कैसे स्ट्रक्चर वहाँ पे
रखना है, किस तरीके से आप रखेंगे, कहाँ पे इसको प्रोडक्शन का ट्रेडिंग करेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, वो सारा चीज़ मशीन बेचने का ही काम यहाँ पे नहीं होता। लघु उद्योग मशीनरी जो है पूरी टीम आपको फुल मार्केटिंग का भी सपोर्ट करती है, बल्कि बिल्कुल जीरो में कोई चार्ज नहीं, मार्केटिंग का भी सपोर्ट होता है हमारा। बहुत सारा आपने वीडियो देखा होगा जो उसमें मार्केटिंग भी बताते हुए नजर आए, और हम खुद जाकर के धरातल पे वो देखते हैं कि जो मशीन है चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कोई इशू तो नहीं है उस एरिया में, आखिर नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, वो आदमी अगर बेच नहीं पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, वो सारा चीज़ सॉर्ट आउट करके उसमें पूरा टीम सपोर्ट। बहुत जगह ऐसा सिस्टम चल रहा है कि बहुत सारे जो मशीनरी बेचने वाले होते हैं मशीन दे देते हैं, पहली बार जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा देते हैं तो कस्टमर रिव्यू ऐसा आता है कि सर हम क्या करें, प्रोडक्ट तैयार किए 5 रुपये का और मार्केट में जब बेचने जाते हैं तो वैल्यू पार्टी सबसे पहले उन लोगों को ये उन लोग से ये कहना चाहेंगे, सबसे पहले आप कोई भी मशीन लगाते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं उसके बारे में पूरा स्टडी आपको होना चाहिए, आपको पूरी जानकारी होना चाहिए कि इस मार्केट में इसका वैल्यू क्या है, हम बनाएंगे इसका कॉस्ट क्या आएगा, बिजली चार्ज कितना आएगा, लेबर चार्ज कितना आएगा, ये सारा चीज़ कॉस्ट निकाल के उसके बाद आप कोई भी सामान करने जाते हैं उसका कॉस्ट निकाल के देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बाकी रहा नुकसान और फायदे की बात, जैसे आपने कहा कि इतने में हम बनाते हैं, तो ये जान लीजिए कि जो बनाता है मैन्युफैक्चरर सस्ता कोई नहीं दे सकता है, ट्रेडर से मांग चली कि हम आप बना रहे हैं हम अगले के लेंगे तो अपना प्रॉफिट रख के ही कोई ना कोई प्रोडक्शन बेचेंगे, तो आपसे सस्ता तो हम दे नहीं सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करता है कि आप जो खुद का बना लेंगे तो आपसे सस्ता कोई नहीं देगा मार्केट में, बट ये रहता है कि आपका वैल्यू क्या, किस तरीके से बढ़े, बहुत सारा क्वालिटी होता है, जैसे कि थोड़ा सा बैड क्वालिटी वाला सस्ता है और कस्टमर गया जैसे बोले कि ये वाला है जो 50 रुपये में मिल रहा है तो वो बोलेगा कि हम तो 60 रुपये में बना रहे हैं, तो क्या था क्वालिटी का भी डिफरेंट रहता है, उसमें सारा चीज़ समझाना पड़ता है, माइंड वॉश करना पड़ता है कि ये क्वालिटी है, इसमें ये क्वालिटी, इसमें ये क्वालिटी है, ये सारा चीज़ उसमें समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। एक चीज़ और हम ये क्वेश्चन जो रहेगा मेरा जो है दर्शकों के लिए रहेगा कि अगर कोई दर्शक वीडियो के माध्यम से अगर कोई बिजनेस देखता है कि हमको ये करना चाहिए तो कैसे अपने आप को सजेस्ट करेगा कि नहीं हमको यहाँ से मशीन लेना चाहिए या इस बिजनेस को कैसे करें, थोड़ा सा कुछ इसके बारे में आइडिया दीजिए। सबसे पहले हम एक चीज़ बताते हैं कि आपको मशीन लेने का आइडिया तो पहले तो बाद में सोचना है, सबसे पहले ये सोचना है कि जिस जगह पे हम लगाना चाहते हैं इस एरिया में जो एरिया है यहाँ कौन सा हमारा मशीन चल सकता है, सबसे कौन सा मशीन चलेगा, उसके बाद आप सजेशन कर सकते हैं अगर ये हम मशीन लगाते हैं तो इसकी बाकी प्रक्रिया क्या क्या होगी, उसके लघु उद्योग मशीन बनाएंगे, सारा चीज़ आपको क्लियरेंस कर देगा, इस छोटा सा वीडियो में क्या क्या आपको समझाएंगे, काफ़ी विस्तार से हो जाता है। जी जी, अच्छा हम ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे, अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जिसको खुद का मालिक बनना पसंद कर रहा है लेकिन पैसे नहीं है जी, तो वो लोग क्या अपना खुद का मालिक बन सकते हैं? बिल्कुल सही आपने बोला कि खुद का मालिक बनने का सबका हक है, आपको बन सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, और अभी तक 300 लोगों को हमने खुद का मालिक बना चुके हैं, कोई 300 लोगों को, अभी इसमें स्टडी हमारा यही है कि आप 10,000, 20,000, 25,000 कमाने बाहर जो जा रहे हैं, यहाँ से अपना छोड़ करके जाके वहाँ बाहर में लोहा उठाते हैं, अच्छा खासा पढ़ाई पढ़े लिखे लोग जो इंटर करने के बाद जो डिग्री करने का हासिल करने के बाद जा करके बाहर में 10,000, 15,000 का नौकरी करें, उनका ये कहना चाहेंगे कि आपको मार्केट का खाली नॉलेज थोड़ा सा लेना होगा, बाकी आप खुद का मालिक बन सकते हैं इसमें कोई बोझ नहीं है, अपना छोटा सा मशीन ला के अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हैं, तो बड़े के पास नौकर बनने से क्या मतलब है, जो 20 लाख 25 लाख इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, जो अपना पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको सक्सेस करने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, कुछ ऐसा बिजनेस भी है स्टूडेंट लोग के लिए कि अपना पढ़ाई के साथ साथ जो है अपना पार्ट टाइम जो एजुकेशन क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो एजुकेशन में आप काम करेंगे, उसमें चाहते हैं कि हम एजुकेशन क्षेत्र में ही काम करें, तो उसमें भी है कि नोटबुक का मशीन लगा सकते हैं, उसका ला के अच्छा खासा नोटबुक ऐसा चीज है कि आप सदियों से चलता आ रहा है, सदियों तक चलेगा, ठीक है, तो नोटबुक का भी काम कर सकते हैं। और कुछ लोग हैं जो मतलब जो चाहते हैं कि ना थोड़ा सा अलग फूड आइटम में काम करें तो चाउमिन का मशीन लगा सकते हैं, उसे अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर उससे भी थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी में काम करें तो आप कुरकुरा चिप्स का लगा सकते हैं, उससे भी चाहते हैं पूजा पाठ में काम करना चाहते हैं तो आप अगरबत्ती धूपबत्ती ये सब चीज़ का लगा सकते हैं, बहुत सारा कैटेगरी है, बहुत सारी मशीनें होती हैं, आपको किस क्या चीज़ करना है वहाँ पे बस एक एरिया देख लीजिए उसके बाद बताइए, सारा चीज़ सजेशन हमारी टीम करती है। एक जो आप 2000 का जो बिजनेस बताए थे जी स्टार्टिंग है, वो बिजनेस कौन सा है? 2000 में हम आपको बताए थे कि 2000 का आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपने वीडियो भी देखा काफ़ी बार भी हुआ था वो वीडियो, और 5000 भी लेकर के आप काम शुरू करता है, 5000 का जो मशीन आता है ये आप देख सकते हैं झाड़ू बनाने वाली मशीन आती है, और इसमें ये आपने देखा होगा मार्केट में इस टाइप का जो है ये आपका फूल झाड़ू का है जी जी, ये देख सकते हैं सभी कलर का अवेलेबल है, जो कलर आपको चाहिए उस कलर का आपको इसमें सारा मटेरियल है ये मिल जाता है, ठीक है, और इसका सारा मटेरियल हम मिला मात्र 5000 में। इसका मार्केट प्राइस अगर देखेंगे, मार्केट प्राइस का बात करेंगे तो ये मार्केट में जाके 65 रुपया 70 रुपया 100 रुपया आपको मिलता है, इसका बनाने का कॉस्ट जो आता है 30 से 32 रुपया आता है, छोटा सा मशीन है, मात्र 3500 लगा करके अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हैं, 15000 में पूरा कॉम्बो सेट दिया जाता है जिसमें आपको 150 झाड़ू का मटेरियल भी रहता है, पूरा सेट बना के दिया जाता है जो अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हैं। ये बिजनेस हमारे
ख्याल से उन लोगों के लिए हो सकता है जो कि पार्ट टाइम में स्टूडेंट हो, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अगर अपना पार्ट टाइम में जॉब करना चाहें, उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी बहुत सारी तमाम छोटे मोटे लघु उद्योग से जुड़ी सारी मशीन रखी हुई हैं। आप अपने अनुसार आप क्या चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, क्या आप करना चाहते हैं, आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप यहाँ से मशीन परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे ना भी हो तो यहाँ से सर द्वारा जो है PMEGP द्वारा जो है लोन भी करवाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जैसे कि जिसके पास पैसा अमाउंट नहीं होता है, जिसके पास अमाउंट की कमी है और बिजनेस करना चाहता है, आपको बिजनेस करना है, अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस हमको करना है, पैसा नहीं है, एक बार लघु उद्योग मशीनरी में आइए, आपको सारा चीज सजेशन बताया जाएगा कहाँ से बिजनेस करेंगे और 35% सब्सिडी के साथ आपको सारा चीज प्रोवाइड किया जाएगा। 35% सब्सिडी भी मिलेगा, 35% सब्सिडी भी जी, सब्सिडी भी मिलेगा और आपको मशीन भी प्रोवाइड होगा और बिजनेस कैसे करना है, कहाँ पे करना है, सारा चीज गाइडलाइन आपको मिलेगा। मतलब यूं कहा जाए तो मशीन लेने के साथ साथ जो है सर पूरा बैक सपोर्ट भी देंगे कि मार्केटिंग कैसे होगा, कहाँ सेलिंग होगा, क्या कमी है। बिल्कुल बिल्कुल, सारा चीज सपोर्ट देगा। मात्र आप 5,000 ला करके 50,000 कमा सकते हैं, इसमें कोई दोरा नहीं है। मात्र कितना, 5,000 लगा के 50,000 कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छा खासा उसका ये देख सकते हैं, छोटा मोटा तभी ये तो बिजनेस है जो स्टार्टअप कर सकते हैं, जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है उसके लिए कि 5,000 से स्टार्ट कर लीजिए। बहुत सारा बिजनेस है, चौमिन का है, पास्ता का है, माइक्रोनी का, अगरबत्ती का, धूपबत्ती का, कपूर का, पेपर प्लेट है, अगरबत्ती है, सारा चीज जो आपको बिजनेस करना है, सारा चीज जितने सर अभी जो बताया कितने के अप्रोक्स में ये सारे देखेंगे तो 60,000, 45,000, 55,000, 75,000, 1,00,000, 1,50,000 के अप्रोक्स में सारा बिजनेस जो है इसी में आता है। अंडर 1,00,000 के अंदर जो है आपका ये बिजनेस चालू हो जाएगा। बाकी सर थोड़ा सा मशीन दिखाइए कौन कौन सा अभी अवेलेबल है। बिल्कुल, ये आपने देखा ये अभी झाड़ू वाला मशीन है, कौन सा सर, ये झाड़ू वाला पूरा मेटल है। अच्छा, ये सकते हैं ये झाड़ू वाला टोटल मेटल है। आपको मेटल खरीदने कहीं दूसरे जगह भटकना नहीं जाना है, जी जी भटकना नहीं है। एक समस्या आती है सर कि मशीन जो विक्रेता होते हैं बेच देते हैं लेकिन मेटेरियल फर्स्ट टाइम प्रोवाइड करा देते हैं, उसके बाद जो है मेटेरियल ना मिलने के कारण बहुत ऐसे लघु उद्योग है जो बंद पड़ी हुई है, उनके पास जाने के बाद सुनने में आता है कि सर क्या करें, बर्बाद हो गए, फंस गए, कर्जा हो गया, ये हो गया। सर आप सर फंसेंगे ना जब आप सही जगह नहीं जाएंगे, आपको सही चीज पता नहीं रहेगा तो फंसना ही है। आपको ये चीज पता नहीं है, खाली आप मशीन के जगह क्यों जाते हैं, जी जी। खाली आप जो मशीन बेचने वाले हैं, हम तो ये भी कह सकते हैं कि आइए और 20,000 में लेके जाइए, ये भी कह सकते हैं आइए 50,000 में लेके जाइए, आइए 30,000 में लेके जाइए, हमारा ऐसा नहीं है। आपको पहले हमने क्या बोला कि पूरा चीज स्टडी कीजिए उसके बारे में, कोई भी बिजनेस करना है चाहे छोटा करना है बड़ा करना है उसके बारे में पूरा जानकारी लीजिए। फॉलोअप होने का वही कारण है कि आपको पता नहीं है कि मेटल कहाँ पे मिलेगा, कितने में बिकेगा, जब तक ये पता नहीं होगा तब तक मार्केट में आप फॉलोअप होते रहिएगा, इस तरह लोग आपको हंसते रहेगा और आप उस मजाक बनते रहिएगा। पहले बिजनेस करने के पहले आप पूरा स्टडी कीजिए इसका रॉ मेटल कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या रेट का रहेगा और मार्केट वैल्यू क्या होगा, ये सारा चीज करने के बाद आप उसके बाद आप काम कर सकते हैं। अच्छा सर ये क्या चीज का मशीन, ये पेपर बनाने वाला है जो आप शादी ब्याह में जो दोना प्लेट और खाते हैं, खाना जो खाते हैं, बफर थाली भी बन जाएगा, बफर सारा चीज बन जाता है। ये आपका मीडियम में आता है जिसमें छोटा रेंज का लिए है, ये आपको 50,000 से 55,000 में आपको मिल जाता है। अगर अच्छा क्वालिटी का, इससे भी बेहतरीन क्वालिटी का आपको बनाना है तो ये वाला मशीन ले सकते हैं, ये वाला। हाँ, इसमें क्या रहता है कि दो डाई रहता है, डबल डाई, हाँ डबल डाई मशीन रहता है और इसमें क्या है कि बफर शीट भी कटिंग कर सकते हैं, नॉर्मल भी कटिंग कर सकते हैं और सारा चीज से कटिंग कर सकते हैं। आप करेंगे अच्छा पैमाने पर अच्छा बढ़िया काम कर सकते हैं। ये वाला देख रहे चौमिन बनाने वाला मशीन है। अच्छा ये चौमिन बनाने वाली, चौमिन बनाने वाला मशीन, जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया कि रॉ मेटल हम कहाँ से लेके, इसमें रॉ मेटल का टेंशन दूर हो गया। रॉ मेटल इसमें खोजने कहीं नहीं जाना है, किसी के पास नहीं जाना है, कोई मशीनरी वाले के पास नहीं जाना है, अपने ही किराना दुकान में मैदा खरीदिए और इसको चौमिन बनाइए और बेचिए, बस ये एक मशीन से ही चौमिन तैयार, एक ही मशीन से चौमिन तैयार हो जाता है। देख सकते हैं दोस्तों ये चौमिन मशीन है, इसमें कोई रॉ मेटल का अलग से जरूरत नहीं पड़ता है। प्राइस क्या पड़ जाएगा इसके, आपको 75,000 का भी है, 80,000 का, जैसा क्वालिटी है उस तरीके से क्वालिटी के अनुसार है। मतलब 1,00,000 के अंदर में अपना बिजनेस के अंदर में ही सारा चीज सेटअप कर सकते हैं। एकदम छोटा छोटा मशीन, छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, सारा मशीन में मिलेगा। ये देख सकते हैं नमकीन जो खाते थे, बड़ा ब्रांड का जो आप खाते थे नमकीन खाते थे, और 10 टाइप का इसका नमकीन इससे बना सकते हैं। इससे 10 टाइप हल्दीराम का जैसे नमकीन आता था उस टाइप का आप नमकीन छोटा सा मशीन से बना सकते हैं, छोटा पैक और बड़ा धमाका वाला ही मशीन है। और ये मशीन ये भी चौमिंग वाला ही मशीन है, ये मिक्सर है। और एक बात करें, वो पीछे रखा हुआ जो मशीन है ये अगरबत्ती का मशीन है, हाँ वो ऑटोमेटिक, हाँ वो भी अगरबत्ती का है, ये भी अगरबत्ती का, वो भी अगरबत्ती का, ये अगरबत्ती का मशीन है, वो कपूर का मशीन है। और आपके पास अगर चाहते हैं कि आप अगर देख रहे हैं कि आपको, हाँ ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, आपको चाहते हैं कि आप बिना मैन्युफैक्चरिंग किए हुए, बिना मशीन बैठाए हुए आप अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास व्यवस्था है। बिना मशीन बैठाए हुए आप पैकेजिंग लेकर के, पैकेजिंग मशीन लेकर के छोटा सा, और जो प्रोडक्शन ब्रांड है उनसे लेकर के पैकिंग करके अपना स्टिकर लगाकर अच्छा खासा ब्रांड बना सकते हैं। यहाँ पे जो सर ये जितने भी, थोड़ा सा इधर दिखाइए दोस्तों, बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जितने भी लिखे हुए पेपर प्लेट डिस्पोजल गिलास मशीन,
लेडीज जेंट्स बच्चों की हवाई चप्पल सैंडल ये सारी जो मशीन आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देख लीजिए आटा चक्की बेसन मैदा वाला जो भी चाहिए अगरबत्ती दूबत्ती कपूर कुरकुरा चिप्स और नमकीन है लेडी बल्ब अगरबत्ती राइस मिल पास्ता मैक्रोनी मुर्गी वाला और ये पत्थर वाला आटा चक्की कांटी वाला और जो चाहिए आपको 5 HP दो मतलब लगभग लघु उद्योग की सारी मशीनें जो होती है स्पेयर पार्ट भी सारा चीज़ हमारे पास अवेलेबल है सर। ये यहाँ पे आप जितनी भी मशीनें हैं अपने पास मैन्युफैक्चरिंग होती है? जी अपने पास मैन्युफैक्चरिंग इसका नहीं होता है क्योंकि सारा पार्ट मिलता नहीं है तो अलग अलग से ला करके असेंबल करके आपको दिया जाता है। जी जी लेकिन वो गारंटी वारंटी जो है आप कितने साल का सारा चीज़ मोटर का गारंटी रहता है 1 साल का वारंटी क्योंकि हवेल्स का मोटर देते हैं क्रॉम्पटन का मोटर देते हैं लोकल मोटर हम देते नहीं है आप कभी खराब होने कोई चांस है बट मशीनरी है उसमें कह नहीं सकता कुछ फ्यूचर पार्ट खराब होता है तो उसके लिए हमारा इंजीनियर है जाकर के आपको सर्विस घर पर ही देगा होम डिलीवरी ही जाकर वहाँ सर्विस देगा आपको आने के लेके जाने की मशीन जरूरत नहीं है। बहुत जगह ऐसा होता है सर कि सर्विस में भी जो है लेट होता है तो ऐसा तो कुछ नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है देखिए कहने का मतलब ये सर्विस में लेट इसलिए होता है जिसके पास इंजीनियर नहीं रहते हैं वो लोग काम कर रहे हैं इधर उधर इंजीनियर लेकिन हमारे पास खुद के 4-4 इंजीनियर हैं ऑलरेडी फील्ड में रहते हैं जिस एरिया से मशीन हमारा जाता है उस एरिया में काफ़ी हमारा वो रहता है उस एरिया को देखते रहते हैं कि वो मशीन हमारे पास ये नहीं है रिव्यू में आप देखेंगे जाकर मशीनरी का जो लोग लगा लिया ऐसा नहीं कि मशीन लगा ले तो उनको मोबाइल उठाना बंद ये सब चीज़ नहीं बहुत सारा आपने सुना होगा किसी का नाम तो नहीं रखेंगे बहुत सारे लोग जब मशीन ले गए जब प्रॉब्लम आया तो मशीन उठाना बंद कर दिए आप फोन उठाना ऐसा कुछ भी नहीं होता है आप एकदम से बेहतर फोन कर सकते हैं बाबरात को भी फोन कर सकते हैं हमारा मशीन ये हो गया है खराब है उसका वीडियो बनाकर सोल्यूशन तुरंत 24 घंटे। हाँ दोस्तों यहाँ से जो आपको 24 आवर जो है आपको यहाँ से बैक सपोर्ट मिलेगा चाहे बिजनेस रिलेटेड जो भी आपका प्रॉब्लम होगा आप यहाँ कॉल करके आप अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। बाकी सर से जो है इनका एड्रेस क्या है और कॉन्टेक्ट नंबर हम सर से जानना चाहेंगे सर कॉन्टैक्ट यहाँ पे आप गोपालगंज में TBS नियर बाई TBS एजेंसी है और पिलर नंबर बात करते हैं जो पुल बन रहा है इसमें वो ब्रिज जो बन रहा है इसके बीच में 14-15 पिलर नंबर के पास में ये लघु उद्योग मशीनरी का नाम है आप ये ध्यान रखें कि हमारी कंपनी का ही नाम है लघु उद्योग मशीनरी ना कि अदर नाम है कंपनी का क्या नाम है लघु उद्योग और इस पर नंबर भी शो कर रहा होगा आप देख सकते हैं 200 वाला नंबर है 51 नंबर है 80 नंबर है लघु उद्योग कोई भी मशीन आपको चाहिए यहाँ पे बेहदक आप आए आपको मशीन तो मिलेगा मिले सजेशन भी मिलेगा सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि मशीन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको ये लेना जरूरी है कि मशीन आप लगाएंगे तो कौन सा मशीन लगाएंगे कौन सा एरिया में होता है और ये सारे लोग नहीं बता पाते हैं जो लोग फील्ड में काम करते हैं उन्हीं लोग को पता रहता है उसके लिए हमारी पूरी टीम काम करती है आपको जरूर पूरी सपोर्ट मिलेगी। अच्छा एक चीज़ और सर जानना चाहेंगे जब कोरोना काल शुरुआत हुई थी तो बहुत सारे जो बाहर में हमारे मजदूर जो या काम करने जाते थे उन लोगों के साथ जो परेशानियाँ हुई उसके बाद जो है अभी हम लोग के बिहार में क्या कुछ बदलाव आया लघु उद्योग के लिए? सर कोरोना काल के बाद कोरोना काल की तो बात कही ही नहीं बहुत मतलब डरावनी वो चीज़ थी और जो लोग एजुकेशन के थे और जो लोग नॉन एजुकेशन थे जो लोग मतलब सारी चीज़ लोग थे उसमें क्या कंडीशन ये हुआ कि सारे लोग को उधर से उनको भगाया गया जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत स्थिति खराब हो गई तो लोगों को क्या ध्यान आया कि अभी क्या करें जब बैठने के बाद कोरोना काल में ये हुआ कि लघु उद्योग जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ावा हो गया और लोगों को ध्यान में आया कि हमको कुछ बिजनेस करना चाहिए अपना खुद काम करना चाहिए ताकि हम दूसरे की जगह 10-15 जगह ना कमाएं। आप 10-15 के लिए जाते हैं आपको सोच सकते हैं कि 10-15 कमाए पूरा फैमिली को छोड़ के जाते हैं रिलेशन वाले को छोड़ के जाते हैं आप 10-15 कोई बड़ा बात नहीं यहीं भी कमा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सर आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कितना कुछ जो है मतलब कोरोना काल से कुछ नुकसान हुआ तो कुछ बेनिफिट जी बेनिफिट हुआ हमें लगता है कि शायद बिहार में अपने जो है बहुत सारे जो है लघु उद्योग नए नए खुल भी चुके हैं और बहुत लोग खुद का रोजगार भी कर रहे हैं और बहुत लोग खुद का मालिक भी बन गए हैं नौकर से मालिक भी बन गए बिल्कुल बिल्कुल वो लोग तो बने ही बने हैं और जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर जो लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं आपसे ये सजेशन है कि देखिए बिजनेस करना ना करना अलग ही बात है पहले ये चीज़ जाने कि आपको क्या करना है कैसे करना है वो चीज़ आएंगे समझेंगे तभी होगा आने में आपको यहाँ पे आएंगे तो उसका कोई पहचान नहीं लिया था कोई आपको ऐसा नहीं कि आप आएंगे तो आपको लेना ही है आज ही लेके जाइए ऐसा कुछ नहीं है आप आइए अगर आपको समझ में आता है कि हमको बिजनेस करना एक बार आइए दो बार आइए तीन बार आइए जब तक आपको समझ में ना आए जब तक आप यहाँ आइए जब तक समझिए अगर जब समझ में आ जाए तभी अपना जो है खुद का रोजगार करें। बाकी दोस्तों ये इस वीडियो में मैंने जो है तमाम लघु उद्योग से जुड़ी जानकारी दी बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार।